10th क्लास कल हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कल डिस्टेंस फाइंड किया था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज कर देंगे। डिस्टेंस क्या होता है कि एक जिस्म है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और वो ए से बी की तरफ जा रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो होती है वो वी एफ हो जाती है। अब इस वेलोसिटी की चेंजिंग के दौरान इतने एक्सीलरेशन या उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म था, उसने कितना फासला तय किया है उसको हम कैसे अगर हम इसका शेडेड एरिया फाइंड कर लें कि ये आपके पास फिगर है, इस फिगर का अगर हम शेडेड एरिया फाइंड कर लें तो हम कहेंगे हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली। डिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी ये सारी जो शक्ल है इसका एरिया इक्वल टू होगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है या हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम तो इक्वल टू होगा वो एरिया ऑफ ओ ए बी डी, तो हम डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अगर आप इसको गौर करें इस शक्ल को तो ये एक फिगर है जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसे हम या अपने मैथ के अंदर ट्रेपेजियम एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और एक उसकी साइड जो है वो ये दो पैरेलल साइड्स हैं और दो साइड उसकी पैरेलल नहीं होती, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये वाली पैरेलल नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला ये होता है कि जो पैरेलल साइड है अगर आप इसको ओ ए कह दें, इसको बी सी कह दें, तो आप जो पैरेलल साइड है इसके एरिया को लेंथ को प्लस कर लेंगे, इसका कर देंगे हाफ और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टकट डिस्टेंस है जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या परपेंडिकुलर वो बनता है ओ सी, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। इसी से मिलती जुलती शक्ल ये है कि अगर आपने ये एरिया फाइंड करना है तो ये एक ट्रेपेजियम बनती है, यही फार्मूला हम यहां अप्लाई करते हैं। इसकी पैरेलल साइड जो है वो आपके पास एक बी डी है, एक ओ है, ओ ए प्लस बी डी ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इसका हाफ कर दें और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल और ये दोनों पैरेलल साइड के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आपके पास ओ डी। क्या है जी? ओ डी। ये आपके पास आ गया कि उसका डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। अब आपने क्या करना है, हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी उसको पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी इसी फॉर्मूले से कि यहां से यहां तक जो फासला है अगर हम इसको ये फाइंड आउट किया था कि ये इक्वल टू वी एफ के है, यहां तक आपके पास वी आई है और ये जो बाकी बचता है वी एफ से वी आई माइनस कर दें या इसको हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे? इक्वल टू होगा वी एफ माइनस वी आई। ये चेंज इन वेलोसिटी या इसे बी सी कह सकते हैं, अगर आप चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम पे डिवाइड कर दें यानी बी सी को अगर हम टाइम है आपके पास ओ डी, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम ये आपके पास फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का। किसका? एक्सेलरेशन का। हम इसी फॉर्मूले को जो बी सी ओवर ओ डी है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी, और साथ ही हम टू इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टू ए एस इक्वल टू ओ ए टू एस मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी इक्वल टू इधर आपके पास बच गया ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओडी और मल्टीप्लाई के साथ बी सी
ओवर ओडी, हमने दोनों साइड पर बी सी और ओडी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ओडी जो है ओडी के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बी सी और ओडी जो है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव किया था ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, ये साइड आपकी बन जाएगी टू ए एस ओ ए, यहाँ वैल्यूज दी हुई है ओ ए इक्वल टू है वी आई के, ये हो जाएगा आपके पास वी आई, बी डी ये आपके पास किसके इक्वल टू है वी एफ के, मल्टीप्लाई बी सी, बी सी किसके इक्वल टू होता है ये होता है वी एफ माइनस वी आई यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। अब इसको अगर हम ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला होता है जबरे का ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, अगर मैं फार्मूला लिख दूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो इसको गौर करें एक तरफ वी एफ माइनस वी आई है इधर वी एफ प्लस वी आई है, आप इसको वी एफ पहले भी लिख सकते हैं और वी आई को बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपके पास वही फॉर्मूला यहां अप्लाई करें तो ये बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और इधर आपके पास है टू ए एस, ये जो एक फार्मूला बन गया है 2 as equal to vf square minus vi square, इसी को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो जस्ट हमने प्रूव करना था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके लिए हमने क्या करना था, हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, वही ग्राफ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया, वही ग्राफ हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया, वही ग्राफ हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया। अब इसके अंदर हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, इस सिस्टम ने कितना फासला तय किया वो इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ओ ए बी डी, और ये ओ ए बी डी जो डायरेक्ट शक्ल है अगर इतना हिस्सा इसके अंदर से माइनस करें तो ये जो फिगर है ये आपके पास बनती है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का मैंने एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये आपने 8th क्लास में मेरे से पढ़ा होगा तो वो लिख दिए, वही फार्मूला, फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड उसका डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, ये 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में या 9th क्लास में यही फार्मूला आपने यहां पुट अप किया और इसी से मिलती जुलती शक्ल ये है, ये भी ट्रेपेजियम बन रही है तो इसका फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड आपके पास OA और BD है दोनों की लेंथ को आप प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई इन दोनों पैरेलल साइड के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है OD, OD से मल्टीप्लाई कर दी। अब OD को हमने स्किप करना है, इसके लिए हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है BC और OD ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, वही फार्मूला हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है एक्सेलरेशन वाला, इसकी जगह एक्सेलरेशन आ गया OD से OD कैंसिल हो गया, इसकी जगह वैल्यूज आ गई वी आई प्लस वी एफ और बी सी की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी जिसे आप कहते हैं वी एफ माइनस वी आई, लेफ्ट साइड आपकी 2 ए एस है, ए स्मॉल आएगा एस कैपिटल डिस्टेंस को शो करता है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी को, तो ये वो फार्मूला मैथमेटिक्स का अलजेब्रे का फार्मूला है सिंपल सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहां अप्लाई किया आपने तो ये बन गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने प्रूव करना था, आप लोगों ने इसको होमवर्क भी करना है और इसको लर्न करना है।